माननीय सभापति महोदय, गुरुजनों, अभिभावक महोदय, दूर दराज से अरसों एवं मेरे सहपाठियों, अपार हर्ष के साथ कहना पड़ता कि इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर मुझे भी कुछ कहने का मौका मिला है। इसमें जो मेरी त्रुटियाँ होगी कृपया उसे माफ कर देने का कष्ट कीजिएगा। बड़े सौभाग्य की बात है जो हम सब इस तिरंगे झंडे के नीचे एकत्रित हुए हैं। ये सारा हिंदुस्तान जो आज़ादी का जश्न मना रहा है, यह आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है। सदियों तक हमारी भारत में जंजीरों में जकड़ी हुई आठ आठ आंसू बहा रही थी, दानवता की चक्की में मानवता पीसी जा रही थी। तो अंग्रेजों का अत्याचार दिन दना रात को गुना बढ़ता जा रहा था, अधर्म के पैरों तले धर्म को कुचला जा रहा था। इतिहास साक्षी है कि जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो कृष्ण का जन्म हुआ, जब रावण का अत्याचार बढ़ा तो राम का जन्म हुआ। किसी ने सती कहा क्या चले विदुर से अले उपा के सामने, कुछ नहीं सकता कोई सोला के सामने, काप जाएगा कुल पलक तेरे जनून से, आसमां पे इंकलाब लिख दो अपनी खून से। आखिर कब तक पैरों के मुंह से प्यार टिक पाते, हमारे देश के वागियों ने अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उठा फेंकने का दृढ़ संकल्प किया। हमारे देश से जरे जरे से क्रांति की आवाज लाने लगी, एक साथ कई स्थानों पर बम फेंके गए, एक साथ कई स्थानों पर बम फेंके, सरकारी संपत्तियों को आग लगा दी गई। हमारा देश 26 जनवरी 1950 को अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद हो गए। हमारा परम कर्तव्य है कि हम इस तिरंगे झंडे को हमासे लहराते रह जाए। जय भारत। बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच